सूचना का अधिकार कानून के गंतव्य और उद्देश्य पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम करते हैं और आरटीआई एक्ट के पर्पज को डिफीट करने में भी भूमिका निभाते हैं। इस सिलसिले में जैसा शिवानंद जी ने कहा, हमें 5 साल सूचना आयुक्त रहते हुए कई हाईकोर्ट संबंधी व्यवहारिक अनुभव हुए, वो आप सबके साथ साझा करना चाहेंगे। और ये अनुभव ऐसे हैं जो बहुत हैरान करने वाले और चौंकाने वाले हैं। आप भी जो उदाहरण अभी हम बताएंगे जाएंगे कि हाईकोर्ट जैसे उच्च न्यायिक निकाय के स्तर पर भी इस तरह की कानूनी विसंगतियां और गड़बड़ियां होती हैं और हो रही हैं। एक केस हमारी कोर्ट में आया था, गुना जिले के आरोन के गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल से एक नागरिक ने उनकी विदेश यात्रा और डिग्री संबंधी जानकारी मांगी। प्रिंसिपल साहब को आरटीआई एक्ट का बहुत अच्छा ज्ञान था, उसके बावजूद उन्होंने जानकारी नहीं दी, न आवेदन अस्वीकार किया न स्वीकार किया। प्रथम अपीलीय अधिकारी ने भी उनको आदेश दिया कि ये जानकारी आरटीआई एक्ट में देने लायक है, दी जाए, लेकिन प्रिंसिपल साहब ने उस आदेश का भी उल्लंघन किया। मामला सूचना आयोग में आया, ने भी आदेश पारित किया ये जानकारी दी जाए और साथ में विभिन्न धाराओं का उल्लेख करते हुए लोक सूचना अधिकारी यानी उन प्रिंसिपल साहब को दोषी सिद्ध किया आरटीआई एक्ट के उल्लंघन का और उनपे 25,000 रुपए का अधिकतम जुर्माना। वो प्रिंसिपल साहब भोपाल आए, यहाँ के एक स्वयंभू आरटीआई कार्यकर्ता जिनको एक यहाँ का बड़ा अखबार तो बहुत विशेषण लगा लगा के छापता था और संयोग से वो सज्जन रीवा जिले से ही बिलोंग करते हैं, उन आरटीआई कार्यकर्ता महोदय के पास वो चूंकि अखबारों में नाम चलता था राय लेने आए कि मुझे जुर्माना हो गया है इसको क्या करूँगा। तो उन महोदय ने सलाह दी कि आप हाईकोर्ट चली जाइए, वहां से आराम से इसके मिलेगा और आप फिर मस्त हो जाएंगे, उसके बाद आप चिंता करने की जरूरत नहीं। प्रिंसिपल साहब ने वही किया, उनको इसके मिल गया। उसके करीब 6 साल बाद भी आज तक वह इसके बरकरार है, उन प्रिंसिपल साहब ने जुर्माना नहीं भरा और आयोग का। दूसरा उदाहरण है इसी मामले में, जो प्रिंसिपल वाला मामला है, इसमें ये और जोड़ना चाहेंगे कि इसमें जो आदेश सूचना आयोग के स्तर पे हमने पारित किया उसमें इतना स्पष्ट तौर पे सारी कानून की व्याख्या करते हुए लोक सूचना अधिकारी को दोषी सिद्ध किया गया था कि अगर हाईकोर्ट के जज जिन्होंने इस पे जारी किया उसको आयोग के आदेश को सरसरी तौर पर भी देख लेते तो उनको लग जाता कि इसमें इसपे 1% भी गुंजाइश नहीं है इसपे देने और जुर्माना जमा होना चाहिए, बल्कि और ब्याज सहित जुर्माना जमा करने का आदेश पारित होना चाहिए। लेकिन उसकी जगह हाईकोर्ट के जज महोदय ने उनको राहत दे दी, अनंतकालीन स्टे उनको दे दिया जो अभी तक बरकरार है। दूसरा उदाहरण बुरहानपुर के नगर निगम कमिश्नर का है। वो जब शिवपुरी में मुख्य नगर पालिका अधिकारी थे, वहां शहरी विकास प्राधिकरण और नगर पालिका दोनों का विलय हुआ। उस विलय में एक छोटे से कर्मचारी के बाबू के हित बहुत प्रभावित हुए, उसकी वरिष्ठता नहीं गिनी गई और भी उसके साथ अनजस हुआ। तो उन सज्जन ने हाईकोर्ट में न्याय की गुहार लगाने के पर्पज से कुछ कागजातों की मांग आरटीआई के जरिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी जो लोक सूचना अधिकारी थे शिवपुरी के उनसे की, लेकिन उस आरटीआई का निराकरण समय सीमा में नहीं करके धारा 7 का उल्लंघन किया मुख्य नगर पालिका अधिकारी। उसके बाद संयुक्त संचालक नगरीय विकास जो प्रथम अपीलीय अधिकारी थे उनके पास प्रथम अपील गई, उन्होंने भी अपील स्वीकार करके आदेश दिया कि ये इसकी सेवा के हितों से संबंधित मामला है कर्मचारी के, ये इसको जानकारी देने पाने का अधिकार है, तुरंत निःशुल्क दी जाए, और नहीं दी उसके लिए उनको फटकार भी लगाई। जब सेकंड अपील का ये मामला हमारी कोर्ट में आया तब तक वो मुख्य नगर पालिका अधिकारी बुरहानपुर नगर निगम के कमिश्नर हो गए। हमने उनको समझाया, सुनवाई के दौरान हम काउंसलिंग भी करते थे, तो उनको समझाया कि देखिए अगर यही मामला आपकी पब्लिक सर्वेंट है, आपकी सेवा संबंधी होता और आप जानकारी मांगते और नहीं मिलती तो आपके क्या बीतती। अब आपने जानकारी समय पे नहीं दी उसके कारण ये छोटा सा कर्मचारी अल्प वेतन भोगी, ये हाईकोर्ट में अपनी सेवा संबंधी जो भी न्याय इनके हितों को नुकसान हुआ उसके लिए न्याय की गुहार नहीं लगा सका और वो
कर्मचारी इतना मानसिक रूप से, शारीरिक आर्थिक रूप से इतना त्रस्त हो गए कि उनको कई बीमारियां लग गई, और उसका प्रभाव इस घटना का उनके पूरे परिवार पर पड़ा। एक तरह से उनका करियर गड्ढे में चला गया, जबकि वो अच्छे पद के हकदार। तो उन नगर निगम कमिश्नर पे हमने सुनवाई के दौरान जो तेवर दिखाए उससे उनको लग गया कि जुर्माना होने वाला है। तो उन्होंने हमारे एक साथी रिटायर्ड IAS ऑफिसर थे जिनके अंडर में ये पहले काम कर चुके थे, उनसे भी हमको सिफारिश कराई कि ये हमारा मिलने वाला है, इसको छोड़ दीजिए, प्लीज गलती हो गई, माफ मांग लेगा। उसके अलावा उस नगर निगम कमिश्नर ने हमने बहुत कोशिश की किसी माध्यम से, मीडिएटर के जरिए, कि वो घर पे आके हमसे मिल ले या हमारे चेम्बर में अकेला मिल ले। उसकी इच्छा कुछ प्रलोभन रिश्वत देने की थी, ऐसा हमको आभास हो गया। हमने उसको मना किया कि देखिए हमारी कोर्ट में आपका मामला विचाराधीन है, आप पक्षकार हैं, हम आपसे अकेले में नहीं मिलेंगे, ये अनैतिक होगा, आपको जो भी कहना है सबके सामने कोर्ट रूम में। आखिर उस पर 25,000 रुपये का जुर्माना किया। वो सज्जन भी आरोन के प्रिंसिपल का अनुसरण करते हुए इमीडिएट हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट में आयोग का आदेश जो इतना कानूनी व्याख्या करते हुए बनाया गया था, और ये मान के बनाया गया था कि मामला हाईकोर्ट में जा सकता है, इसलिए हर कानून के आगे ये ठहरना चाहिए, इतने तर्क संकट ढंग से बनाया गया था, लेकिन उस पर एक नजर भी हाईकोर्ट के जज द्वारा नहीं डाली गई और तुरंत एक पक्षी इसके जारी कर दिया गया जो अभी तक बरकरार है। करीब 4 साल इस घटना को भी हो गए। इसके बाद एक और किस्सा है, नागदा के SDM जो लोक सूचना अधिकारी थे उनके सामने कैलाश जी सलोले या जो एक पत्रकार है और हमारे वेबिनार में शामिल होते हैं नागदा से, बहुत अच्छी जानकार है, उन्होंने वो जनहित की बहुत अच्छी आर्टिकल लगाते रहते हैं, उन्होंने राशन दुकानों के बारे में जानकारी के लिए अर्जी लगाई थी, RDI लगाई थी। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी किया था कि ये अधिकारी हफ्ते में एक दिन गांव में रात बिताएं, वहीं ग्रामीणों की समस्याएं सुने और उनका समाधान। इस आदेश के पालन में उस SDM ने किन किन गांवों का दौरा किया, किन समस्याओं का समाधान किया, और ये सारी रिपोर्ट SDM को कलेक्टर को भी देनी थी, तो वो रिपोर्ट क्या दी, क्योंकि उस SDM ने दौरे किए ही नहीं थे, उस आदेश का पालन ही नहीं किया था गांव में रात्रि विश्राम का, तो कोई जानकारी नहीं। चैम्बर में आके